ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वकील के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए बार काउंसिल की ओर से बकायदा, कि बिना क्लाइंट से पूछे तुमने उसकी ओर से बिल एप्लीकेशन कैसे लगाई, कोई भी एप्लीकेशन बिना क्लाइंट से पूछे तुम कैसे लगा, नहीं था कि वो व्यक्ति उसका वकील है कि नहीं है वकील। इसका मतलब बहुत साफ है, आप आपको बिल के ऊपर जेल से बाहर करके उसका मर्डर कराने की एक सुनियोजित प्रक्रिया थी जिसमें ये वकील शामिल, नया वकील है, और चूंकि ये एक मुसलमान नाम का वकील है इसलिए पुलिस ने इसको यूज कोर्ट में बेल दे दी होती तो आज आप बात नहीं कर रहे होते कि उसने बेल एप्लीकेशन वापस कर ली, आज आप बात कर रहे होते कि आफ्ताब का दाह संस्कार कहां हुआ और कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, आफ्ताब आमीन पूनेवाला ने अपनी जमानत याचिका कोर्ट से वापस ले ली। उसके वकील ने जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई किया था लेकिन आफ्ताब ने इनकार किया। अब वकील ने भी कहा कि हम वापस लेना चाहते हैं और कोर्ट ने याचिका वापस लेने की सहमति दे दी। आखिर आफ्ताब ने जमानत याचिका वापस क्यों ली, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वकील जमानत के लिए क्यों पहुंचा था, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा, जो आफ्ताब के मामले पर काफ़ी मुखर हैं। वकील साहब, ये जो याचिका थी जमानत की वो वापस ले ली, आखिर जमानत याचिका वापस क्यों ली गई आफ्ताब की तरफ से? आप गलत कह रहे हैं, आफ्ताब ने तो कोई बेल एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की थी। ये जो वकील है, मैं नहीं जानता ये पुलिस का वकील है कि आफ्ताब का वकील है। नहीं, आफ्ताब का वकील है। आफ्ताब का वकील है तो इसने बेल एप्लीकेशन कैसे लगा दी आफ्ताब को जमानत दिलवाने के लिए? आफ्ताब को पता ही नहीं है, वकील क्लाइंट का केवल एक माउथ पीस होता है कोर्ट के अंदर में, जो फैक्ट क्लाइंट के बताता है और लॉ अपनी ओर से जोड़ करके उसको स्पष्ट करता है। बेल एप्लीकेशन में तो स्टेटमेंट गया आफ्ताब का, आफ्ताब की ओर से इस वकील ने आफ्ताब का स्टेटमेंट फाइल कर दिया कोर्ट में सो मोटो, अगर उसमें कुछ भी गलत लिखा होगा तो वही स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी होगा आफ्ताब को फांसी तक पहुंचाने के लिए। बिना आफ्ताब से पूछे ये वकील उसकी एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन कैसे लगा सकता है, और वो भी बिना एफिडेविट के इसने एप्लीकेशन फाइल की, आफ्ताब को पता भी नहीं है। जब उसको पता चला तो उसने साफ मना कर दिया, शुक्र मनाओ कि आफ्ताब को से कोर्ट ने पूछ लिया बेल एप्लीकेशन के ऊपर, नहीं तो आज हम और आप यहाँ बेल एप्लीकेशन की चर्चा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम और आप यहाँ पे इस बात की चर्चा कर रहे होते कि आखिर आफ्ताब क्यों मारा गया। मतलब जमानत से मारने का क्या लिंक आप पैदा कर रहे हैं? अंधे को भी नजर आता है, रोहिणी कोर्ट में निकलते समय आफ्ताब के ऊपर कई लोगों ने इकट्ठा हमला किया था तलवारों से उसके टुकड़े करने के लिए। आज की डेट में आफ्ताब जेल में पूरी तरह सुरक्षित है, ये बात आफ्ताब खुद जानता है अच्छी तरह से, पुलिस जानती है अच्छी तरह से, और ये सो कॉल्ड वकील भी जानता है। इस वकील को इतनी समझदारी नहीं थी कि वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगाने के बजाय उल्टा आफ्ताब को कहता, नहीं कोई बेल एप्लीकेशन मत लगाओ, बेल से बाहर निकलते ही तुम मारे जाओगे। ये बेल एप्लीकेशन आफ्ताब से बिना पूछे इसलिए लगाई गई कि कोर्ट से बेल मिल जाए, पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं, वो बेल से जैसे ही बाहर आता उसका मर्डर हो जाता। और आप सब लोग जितने सुन रहे हैं जो आफ्ताब के विरुद्ध हैं उसको सजा दिलाना चाहते हैं, आप सब भी बड़े खुश होते हैं आज के टाइम में, चलो मारा गया अच्छा हुआ मर गया, लेकिन क्या इसी को जस्टिस कहते हैं? जस्टिस का मतलब ये होता है आप जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं उस एलिगेशन को प्रूव करके ये सिद्ध करें कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है। दंड जस्टिस नहीं होता, दंड तो उस व्यक्ति के कर्मों का फल होता है जो कोर्ट बाद में सुनाती है। बिना कोर्ट से ये सिद्ध किए कि इसने ही हत्या की है, आप उसको दंड देना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उसकी मौत देखना चाहते हैं, ये तो आपकी थ्योरी है ना कि मारना चाहते हैं, मेरी थ्योरी नहीं, तो उसको बचाना चाहता है, तो उसने बेल एप्लीकेशन क्यों लगाई बिना आफ्ताब से पूछे? इस वकील ने बेल एप्लीकेशन वो गलती मानी है, वकील ने कहा कि ये मिस कम्युनिकेशन था। मिस कम्युनिकेशन गलती नहीं होती, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जो एक वकील ने बिना क्लाइंट से पूछे क्लाइंट के लिए क्लाइंट की ओर से गलत स्टेटमेंट देके कोर्ट में उसके लिए बेल मांगी, और अगर कोर्ट में बेल दे दी होती तो आज आप बात नहीं कर रहे होते कि उसने बेल एप्लीकेशन वापस कर ली, आज आप बात कर रहे होते कि आफ्ताब का दाह संस्कार कहां हुआ और कैसे हुआ। क्या यही चाहते हैं सारे लोग? क्या आप ये चाहते हैं कोर्टों को बंद कर दिया जाए पुलिस के कहने पे उसके वकील ने? आपका ये कहना है कि अगर आफ्ताब को जमानत जमानत मिलती तो उसकी हत्या हो जाती है? ये बेल एप्लीकेशन पुलिस का एक षड्यंत्र है, पुलिस के कहने पे इस वकील ने बेल एप्लीकेशन लगाई बिना आफ्ताब को बताए, बिना आफ्ताब से पूछे बेल अलाउ करने के लिए लगाई,
और पुलिस के नो ऑब्जेक्शन के ऊपर ज्यादा ऑब्जेक्शन होता नहीं पीपी का, और आफ्ताब को बेल दे दी जाती, दूसरे दिन आफ्ताब को जेल से छोड़ दिया जाता और तीसरे दिन आफ्ताब की हत्या हो चुकी। तो इसका मतलब आफ्ताब को जमानत लेनी चाहिए आफ्ताब को जमानत। आफ्ताब तिहाड़ जेल में सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज की डेट में। हर कोई जानता है कि निर्भया कांड में राम सिंह के मरने के बाद में दोबारा इस तरह का एलिगेशन तिहाड़ प्रशासन अपने ऊपर नहीं लेगा कि उसने आत्महत्या कर ली तिहाड़ के अंदर। तो तिहाड़ में सबसे ज्यादा सुरक्षित है आफ्ताब। आफ्ताब को चाहिए तिहाड़ से तब तक न निकले जब तक कि पूरी तरह से कोर्ट उसको निर्दोष साबित न कर दे। निर्दोष साबित होने के बाद ही उसको तिहाड़ से निकलना चाहिए, नहीं तो आम आदमी मतलब मर्डर कर देगा। मतलब तो ये कि आफ्ताब बहुत ही शातिर है और उसको कानूनी पेचीदगियां और जो सामने आने वाली पेचीदगियां उन सबकी समझ है, इसलिए उसने वकील के बाद भी अपनी जो जमानत याचिका वापस ली। नहीं, आफ्ताब को कुछ भी नहीं पता, लीगली वो कुछ भी नहीं जानता। अगर वो लीगली नहीं जानता तो फिर अपने वकील से क्यों कहता है या कोर्ट से क्यों कहता है कि मैं जमानत नहीं चाहता? क्योंकि आफ्ताब ये जानता है कि मैं तिहाड़ से निकलूंगा तो मेरा मर्डर हो जाएगा। जब पुलिस के संरक्षण में रहते हुए वो मरने से बाल बाल बचा रोहिणी में, तो यहाँ भी वो अच्छी तरह से जानता है जब तक मैं तिहाड़ में हूँ सुरक्षित हूँ, तिहाड़ से निकलते ही मेरा मर्डर हो जाएगा। और वो बेल एप्लीकेशन में कोर्ट कभी पूछती ही नहीं है क्लाइंट से। हो सकता। नहीं 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 सुनिए, बेल एप्लीकेशन में कोर्ट कभी क्लाइंट से नहीं पूछती कि तुम बेल चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि एप्लीकेशन तो आती ही एक्यूज की ओर से। इस केस में कोर्ट ने ज्यादा सावधानी बरतते हुए आफ्ताब से पूछा, वीसी से पूछा गया आफ्ताब से कि भाई क्या बात है, तुमने बिल एप्लीकेशन लगाई है बाहर निकलने के लिए? तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं मैंने कोई बिल एप्लीकेशन नहीं लगाई और वकील से मैं जानता ही नहीं हूँ, वकील को मैंने वकालतनामा साइन कर दिया है। क्या वो वकालतनामा पुलिस ने आफ्ताब से साइन करवा करके दिया इस वकील को? क्या पुलिस ने क्या आफ्ताब के वकील ने इस वकील ने पुलिस के कहने पर एप्लीकेशन लगाई? बिल्कुल यही नजर आता है मेरे को, क्योंकि एक लीगली प्रोवाइडेड वकील है आफ्ताब के पास में जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था, ये दूसरा नया वकील आया है जिसने बिना आफ्ताब से। नहीं, ये तो वही तो वकील है ना? नहीं, वो वकील नहीं है, पर में भी आया था, कोर्ट से अपॉइंटेड था वो वकील दूसरा, ये नया वकील है। और चूंकि ये एक मुसलमान नाम का वकील है इसलिए पुलिस ने इसको यूज किया, आफ्ताब से साइन करा के वकालतनामा इसको दे दिया और इसको कहा बेल एप्लीकेशन लगा दे। इसने बेल एप्लीकेशन लगा दी, बहुत बढ़िया, इसको बेल भी मिल जाती। ये तो कोर्ट से गलती हो गई, कोर्ट ने आफ्ताब से भी पूछ लिया वीसी पे, तो आफ्ताब भौचक्का था कि मैंने तो कोई बेल एप्लीकेशन लगाने को कहा नहीं, वकील ने मुझसे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं, खाली मेरा वकालतनामा पे इस कागज पे तो मैंने साइन किया है। यानी आफ्ताब को ये भी पता नहीं था कि वो व्यक्ति उसका वकील है कि नहीं है वकील। इसका मतलब बहुत साफ है, आफ्ताब को बिल के ऊपर जेल से बाहर करके उसका मर्डर कराने की एक सुनियोजित प्रक्रिया थी जिसमें ये वकील शामिल था। इस वकील इसने तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, बिना क्लाइंट से पूछे उसने तरफ से इस बात को स्वीकार किया है कि ये मिसकम्युनिकेशन था। मिसकम्युनिकेशन का मतलब ये था आपस में मंडे मंडे में 50 मिनट आफ्ताब से बात हुई है, मंडे जब कोर्ट ने डांटा है उसको तब हो गया है मंडे को मिलने के लिए, कोर्ट ने डांटा है तुमने बिना क्लाइंट से पूछे कैसे बिल एप्लीकेशन लगाई, उसको पता नहीं है, जाइए उससे मिलकर के आइए। आफ्ताब ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ इस वकील से, कौन है जिसने बिल एप्लीकेशन लगाई? आफ्ताब को उस दिन भी पता नहीं था कि कौन है ये वकील जिस दिन बिल एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट में। क्या यही सिस्टम है हमारा? ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वकील के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए बार काउंसिल की ओर से बकायदा कि बिना क्लाइंट से पूछे तुमने उसकी ओर से बिल एप्लीकेशन कैसे लगाई? कोई भी एप्लीकेशन बिना क्लाइंट से पूछे तुम कैसे लगा सकते हो? इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इसका तो लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक हिस्सा उनके दृष्टि की बात नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारा जुडिशियल सिस्टम है। हमारा जुडिशियल सिस्टम जिसके ऊपर लोगों का विश्वास है, वो लोगों का विश्वास है हमारे सिस्टम के ऊपर कि कोर्ट जो है वो सच ही तय करेगी। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर फ्रॉड किया जाता है, अगर कोर्ट में वकील ही अपने क्लाइंट की ओर से झूठ बोलता है, गलत बोलता है, मिस इंडिकेट करता है, उसको बताता ही नहीं है, बिना उसके बताए उसकी ओर से स्टेटमेंट देता है कोर्ट में, ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस बात है। आफ्ताब पूनावाला को चाहिए कि ऐसे वकील के ऊपर तो एक्शन कराए, वो एक्शन होना चाहिए इस वकील के ऊपर। पूना वाला कोई दूध का धुला नहीं है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप, सुन लीजिए आप की एक्शन कराइए। आप जिस तरह से दलीलें दे रहे हैं कि आफ्ताब ये वो, आफ्ताब ने एक लड़की का कत्ल किया है 35 टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में। मना करता हूँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ
जब तक कोर्ट में ये सिद्ध नहीं हो जाए कि आफ्ताब ने किया है, तब तक ये कहना पूरी तरह से गलत है कि आफ्ताब ने मर्डर किया है। आरोप उसके ऊपर आरोप से कोई मैं आपके ऊपर सबूत दिली, मेरे ऊपर सबूत है कोई आपके? आप आरोप लगा दी, सबूत पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? एक भी सबूत नहीं आज के टाइम में आफ्ताब के अगेंस्ट में, एक भी सबूत आज के टाइम जो है कन्फेशन है उसका। कन्फेशन को सबूत नहीं कहते, कन्फेशन कहते हैं टॉर्चर कन्फेशन, जो कि आफ्ताब के माँ बाप को कहीं टॉर्चर पे होल्ड करके रखा हुआ है। आफ्ताब वही बोलता जा रहा है जो उसके पुलिस कह रही है। तो एक बात है कि ये आपने स्पष्ट किया है इस बात में कि अभी उसको जमानत नहीं लेनी चाहिए, और आफ्ताब भी यही कह रहा, तो कहीं ना कहीं वो प्री प्लान्ड है पूरी चीजों को, मैच्योर पूरी तरह से एक साइकोलॉजी है कि क्राइम के बाद क्या क्या करना है, किसी किस तरह से, ये अपने आप में इस बात नहीं, से नहीं, बहुत गलत बात है। आप बहुत गलत कह रहे हैं, एक गलत रंग दे रहे हैं। आफ्ताब सिर्फ एक बात जानता है कि अगर वो जेल से बाहर निकला तो उसका तुरंत हत्या हो जाए। जब पुलिस के साथ रहते हुए रोहिणी में उसकी हत्या की कोशिश की, तो बिल पे बाहर निकलेगा तो क्या हत्या नहीं हुई? घंटे भर के अंदर उसकी हत्या हो जाएगी। पुलिस खुद कर सकती है इनकाउंटर, या कोई भी दूसरे व्यक्ति से उसका इनकाउंटर करा सकती है। इसीलिए बेल की एप्लीकेशन बिना आफ्ताब को बताए चुपचाप लगाई गई, जिससे कि बेल कोर्ट तो गलती, अगर गलती उसकी तरफ से, ऐसे थोड़ी गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, प्लानिंग है, ये बहुत बड़ी साजिश है आफ्ताब का मर्डर करने की, बहुत बड़ी साजिश है। बिना आफ्ताब से पूछे उसके वकील ने कैसे लगा दी, उस वकील ने, ये वकील मिला ही नहीं उससे कभी। आफ्ताब ने खुद कहा मैं नहीं जानता कौन वकील है, मैं आज तक नहीं मिला, मैंने खाली डॉक्यूमेंट पे साइन किए। यानी एक किसी के कहने पे आफ्ताब ने साइन कर दिया वकालतनामा, और जिसका एक वकालतनामा उसका लेकर के दिल्ली पुलिस ने पकड़ा दिया इस वकील को, इस वकील से बेल की एप्लीकेशन लगा दी, बेल पे वो बाहर हो जाता, बाहर उसका एनकाउंटर हो जाता, पुलिस का सिरदर्द खत्म। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी बड़े खुश हो जाते, चलो अच्छा हुआ मर गया, मर गया था जिसने ये मारा था लड़की को। लेकिन आप लोग कभी भी कोर्ट के ऊपर ये नहीं कह सकते थे कि कोर्ट में ये सिद्ध हुआ आज भी कि आफ्ताब का आफ्ताब ने कत्ल किया है। कोर्ट इसलिए नहीं होती कि किसी व्यक्ति को सजा दी जाए, कोर्ट इसलिए दी होती है कि ये सिद्ध करने के लिए क्या वाकई इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसके बाद सजा देने के लिए तो होती है कोर्ट। पहले सिद्ध कीजिए कि उसने ठीक है, वो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग नहीं है, दिस इज द मेन प्रोसीडिंग। सजा तो एक आधे घंटे के वर्डिक्ट में होती है, जब ये सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसके बाद सजा होती है। अपराध सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग होती है कि वाकई उसने। तो जाहिर सी बात है आफ्ताब के मामले पर अब ये जमानत याचिका वापस ले ली गई है, लेकिन इस पर जो एमएल शर्मा है सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से ये याचिका डाली गई थी वो बिल्कुल मैच्योर अप्रोच नहीं था, और क्योंकि नहीं वो गलत था, वो ठीक है, वो गलत कह सकते हैं, लेकिन आफ्ताब का मर्डर करवाने का ये आपके आरोप है। लेकिन एक बात की मैं बताऊं, कोई भी आरोपी हो उसके खिलाफ जितने भी आरोप है उसको कानून के तराजू पर तोला जाना चाहिए, कानून के आधार पर सजा दी जानी चाहिए, और जो भारत के कानून के हिसाब से भारतीय अदालतें करती हैं, इसमें भी कर रही है। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताना। नमस्कार। लेकिन किसी